हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी रिकॉर्ड। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं 7 अक्टूबर 2018 के करंट अफेयर्स के ऊपर। फ्रेंड्स, हम लोग करंट अफेयर्स पर इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो करंट अफेयर्स का वेटेज है वो 10 से 15 क्वेश्चन हर एग्जाम की शिफ्ट में करंट अफेयर्स से पूछे ही जाते हैं। और अब जो एग्जाम में वेटेज हो गया है करंट अफेयर्स का वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इसलिए हम डेली करंट अफेयर्स पर डिस्कस कर रहे हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। और फ्रेंड्स, मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे दी है, आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको सारी PDF अवेलेबल मिल जाएंगी। फ्रेंड्स, आज का सेशन हम डिस्कस करने वाले हैं 7 अक्टूबर 2018 के करंट अफेयर्स के ऊपर। लास्ट वीडियो में हमने क्विज के क्वेश्चन को देखा था, उसका आंसर हमें आज डिस्कस करना था। तो क्विज का क्वेश्चन था, हाल ही में हिरासत में महिलाएं और न्याय तक पहुंच पर पहला क्षेत्रीय सम्मेलन कहां आयोजित किया गया। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शिमला। शिमला इसका राइट आंसर हो जाएगा, सभी लोगों ने कमेंट बॉक्स में सही आंसर किया है। शिमला में हिरासत में महिलाएं और न्याय तक पहुंच पर पहला क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया और इस सम्मेलन का आयोजन ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ने जेल विभाग हिमाचल प्रदेश के सहयोग से किया था। अब फ्रेंड्स, इसका आंसर शिमला है, तो शिमला कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश के हम इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश की जो कैपिटल है वो है शिमला। हिमाचल प्रदेश के जो CM है वो है जयराम ठाकुर और हिमाचल प्रदेश के जो गवर्नर हैं वो है आचार्य देवव्रत। तो इतने पॉइंट आपको हिमाचल प्रदेश से भी याद रखने। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में कौन गूगल को पीछे छोड़कर विश्व का शीर्ष ब्रांड बना। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एप्पल। एप्पल इसका राइट आंसर हो जाएगा। एप्पल गूगल को पीछे छोड़कर विश्व का शीर्ष ब्रांड बना। एप्पल का ब्रांड वैल्यू 16% बढ़कर 214.5 अरब डॉलर हो गया है। कितना? 214.5 अरब डॉलर हो गया है, ठीक है फ्रेंड्स। और गूगल दूसरे स्थान पर आए। गूगल कौन से स्थान पर आए? सेकेंड पर आए। और थर्ड पर अमेजन रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। थर्ड पर कौन रहा है? अमेजन रहा है। तो एक बार और मैं बता देता हूँ, एप्पल गूगल को पीछे छोड़कर विश्व का शीर्ष ब्रांड बना। गूगल दूसरे स्थान पर रहा और अमेजन तीसरे स्थान पर रहा, ठीक है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स, यहाँ एप्पल इसका आंसर है, तो एप्पल के हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। एप्पल की जो स्थापना हुई है वो ये 1 अप्रैल 1976 को। एप्पल के जो फाउंडर्स हैं वो हैं स्टीव जॉब्स, स्टीव वोजनियाक, रोनाल्ड वेन है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है क्यूपर्टिनो, कैलिफोर्निया, US में। तो इतने पॉइंट आपको एप्पल से भी याद रखने। चलिए फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला मेथेनॉल पार्क कला ईंधन कार्यक्रम लॉन्च किया गया। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, असम। असम इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूर्वोत्तर और असम पेट्रो रसायन एक राज्य स्वामित्व कंपनी है जो एशिया के पहले कैंस्टर आधारित और भारत का पहला मेथेनॉल पाक कला ईंधन कार्यक्रम लॉन्च करने के लिए है। अब फ्रेंड्स, इसका आंसर असम है, तो असम के हम इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। असम की जो कैपिटल है वो है दिसपुर। असम के जो CM है वो है सर्बानंदा सोनोवाल और असम के जो गवर्नर हैं वो हैं जगदीश मुखी। तो इतने पॉइंट आपको असम से भी याद रखने। चलिए फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में युवा ओलंपिक खेल 2018 किस देश में शुरू हुआ। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा युवा ओलंपिक खेल आधिकारिक तौर पर अर्जेंटीना के ब्यूनस आयरस में शुरू हुआ, ठीक है फ्रेंड्स। और 16 वर्षीय मनु भाकर उद्घाटन समारोह में भारतीय टीम के ध्वजवाहक के रूप में भारतीय टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये पूछा जा सकता है, तो ये आपको याद रखना है। एक बार और बता देता हूँ, 16 वर्षीय मनु भाकर उद्घाटन समारोह में भारतीय टीम के ध्वजवाहक के रूप में भारतीय टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। अब फ्रेंड्स, इसका आंसर अर्जेंटीना है, तो अर्जेंटीना के हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। अर्जेंटीना की जो कैपिटल है वो है ब्यूनस आयरस। अर्जेंटीना की जो करेंसी है वो है अर्जेंटाइन पेसो और अर्जेंटीना के जो प्रेसिडेंट है वो है मॉरिशियो मैक्री। तो इतने पॉइंट आपको अर्जेंटीना से भी याद रखने। चलिए फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ने मध्य प्रदेश में ग्रामीण कनेक्टिविटी में सुधार के लिए कितने $1 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी,
110 मिलियन डॉलर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 110 मिलियन डॉलर इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत सरकार और एशिया विकास बैंक ने प्रधानमंत्री के ग्रामीण सड़क कार्यक्रम के तहत मध्य प्रदेश राज्य में 2800 किलोमीटर कितने 2800 किलोमीटर की सभी मौसम ग्रामीण सड़कों के उन्नयन के वित्त पोषण के लिए 110 मिलियन डॉलर का ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये आपको याद रखना है। अब फ्रेंड्स, यहाँ एशिया विकास बैंक की बात हो रही है और मध्य प्रदेश की भी बात हो रही है, तो दोनों के हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं एडीबी की, एशियन डेवलपमेंट बैंक की। इसकी जो स्थापना हुई है वो ये 19 दिसंबर 1966 को। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मडालुयोंग फिलीपींस में। इसके जो प्रेसिडेंट है वो है टाकेको नकाओ। और इसका जो मोटो है वो है फाइटिंग पॉवर्टी इन एशिया एंड द पैसिफिक, फाइटिंग पॉवर्टी इन एशिया एंड द पैसिफिक। तो इतने पॉइंट आपको एडीबी से याद रखने। अब फ्रेंड्स, हम मध्य प्रदेश के इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। मध्य प्रदेश की जो कैपिटल है वो है भोपाल। मध्य प्रदेश के जो सीएम है वो है शिवराज सिंह चौहान। और मध्य प्रदेश की जो गवर्नर है वो है आनंदीबेन पटेल। तो इतने पॉइंट आपको मध्य प्रदेश से भी याद रखने। चलिए फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2018 किस शहर में आयोजित किया गया। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ। लखनऊ इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, लखनऊ में 4 दिवसीय भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान समारोह आई आई एस एफ 2018, इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2018 शुरू हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको याद रखना है। अब फ्रेंड्स, यहाँ लखनऊ की बात हो रही है तो हम उत्तर प्रदेश के इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश की जो कैपिटल है वो है लखनऊ। उत्तर प्रदेश के जो सीएम है वो है योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के जो गवर्नर है वो है राम नायक। और लखनऊ से मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए थे, एक बार और मैं बता देता हूँ। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन कहाँ है, लखनऊ में। ठीक है फ्रेंड्स, और सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, वो भी लखनऊ में। और सबसे इम्पोर्टेंट, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ है, लखनऊ में। तो ये तीनों इम्पोर्टेंट है, तीनों पूछे जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो तीनों आपको पता होना चाहिए। चलिए फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में IORA नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री स्तरीय बैठक 2018 कहाँ आयोजित की गई। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, न्यू डेली इसका राइट आंसर हो जाएगा। IORA नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री स्तरीय बैठक 2018 नई दिल्ली में आयोजित की गई। अब इससे क्वेश्चन एक और बनता है, IORA के महासचिव कौन है। तो वो है नोमव्यू एन नोकवे। कौन है, नोमव्यू एन नोकवे। ठीक है फ्रेंड्स, और बिजली तथा नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री कौन है, तो वो है RK सिंह। कौन है, RK सिंह। तो इतने पॉइंट आपको इस पॉइंट से याद रखना है। अब फ्रेंड्स, इसका आंसर न्यू दिल्ली है। तो दिल्ली के हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। दिल्ली के जो सीएम है वो है अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के जो गवर्नर हैं वो है अनिल बैजल। और मलेरिया रिसर्च सेंटर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, ये सब कहाँ है, ये सब न्यू दिल्ली में। तो इतने पॉइंट आपको दिल्ली से याद रखने। चलिए फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, सहयोग HOPTAC 2018 भारत और किस देश के बीच संयुक्त तटवर्ती अभ्यास है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वियतनाम। वियतनाम इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत और वियतनाम के तट रक्षकों ने आपसी सहयोग को बढ़ाने के लिए चेन्नई में एक संयुक्त अभ्यास में हिस्सा लिया, जिसका उद्देश्य शहर के तट पर उनके बीच कामकाजी स्तर के संबंध को मजबूत करना है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये आपको याद रखना है। अब फ्रेंड्स, इसका आंसर वियतनाम है। तो वियतनाम के हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। वियतनाम की जो कैपिटल है वो है हनोई। वियतनाम की जो करेंसी है वो है वियतनामिस डोंग। वियतनाम की जो प्रेसिडेंट है वो है डेंग थी नगोक थेन। तो इतने पॉइंट आपको वियतनाम से भी याद रखने। चलिए फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में 2018 के लिए नोबेल शांति पुरस्कार किस व्यक्ति को दिया गया है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है नादिया मुराद और डेनिस मुकवेगे, दोनों को दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी। ए और बी इसका
राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नोबेल शांति पुरस्कार 2018 डेनिस मुकवेगे और नादिया मुराद को दिया गया। यह पुरस्कार दोनों हस्तियों को प्रस्तुत किया गया है जिन्होंने सशस्त्र संघर्ष में यौन हिंसा को समाप्त करने पर काम किया है। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डेनिस मुकवेगे की। डेनिस मुकवेगे एक स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं जो कांगो के लोकतांत्रिक गणराज्य में यौन हिंसा के पीड़ितों की मदद करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और नादिया मुराद एक यजीदी अधिकार कार्यकर्ता और इस्लामी राज्य द्वारा यौन दासता की उत्तरजीवी हैं। तो इतने पॉइंट आपको इस पॉइंट से याद रखने। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में किसको अंतर्राष्ट्रीय उद्योग निकाय वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ एक्सचेंज WFE वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ एक्सचेंज द्वारा कार्यकारी समिति और बोर्ड के निदेशक का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विक्रम लिमाय। विक्रम लिमाय इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के MD और CEO विक्रम लिमाय को अंतर्राष्ट्रीय उद्योग निकाय वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ एक्सचेंज द्वारा कार्यकारी समिति और बोर्ड के निदेशक का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में भारत केम 2018 सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मुंबई। मुंबई इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत केम 2018 सम्मेलन मुंबई में शुरू हुआ और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इस सम्मेलन का उद्घाटन किया। तो ये भी पूछा जा सकता है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसका आंसर मुंबई है। तो मुंबई कहाँ है? महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र का हम इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। महाराष्ट्र की जो कैपिटल है वो है मुंबई। महाराष्ट्र के जो CM है वो है देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र के जो गवर्नर हैं वो है सी विद्यासागर राव। तो इतने पॉइंट आपको महाराष्ट्र से भी याद रखने। चलिए फ्रेंड्स, जितने भी पॉइंट्स हमने आज डिस्कस किए हैं एक बार हम उसका एनालिसिस कर लेते हैं, एक बार हम उन पॉइंट्स को रिवाइज कर लेते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग एनालिसिस इसलिए करते हैं जिससे जितने भी पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं वो सभी पॉइंट्स आपको याद हो जाए। फ्रेंड्स, मैं आपको हर दिन कहता हूँ कि मॉर्निंग में आप एक बार इस वीडियो को देख लीजिए और रात में उसका एनालिसिस करें, जिससे जितने भी पॉइंट्स आपको याद नहीं है वो आपको एनालिसिस में याद हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करें और शेयर करें। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का एनालिसिस। फर्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया था, हाल ही में कौन गूगल को पीछे छोड़कर विश्व का शीर्ष ब्रांड बना? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एप्पल। एप्पल इसका राइट आंसर हो जाएगा। एप्पल गूगल को पीछे छोड़कर विश्व का शीर्ष ब्रांड बना। एप्पल का ब्रांड वैल्यू 16% बढ़कर $214.5 अरब हो गया है। कितना? $214.5 अरब हो गया है। ठीक है फ्रेंड्स, और गूगल दूसरे स्थान पर आए। गूगल कौन से स्थान पर आए? सेकंड पर आए। और थर्ड पर अमेजन रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, थर्ड पर कौन रहा है? अमेजन रहा है। तो एक बार और मैं बता देता हूँ, एप्पल गूगल को पीछे छोड़कर विश्व का शीर्ष ब्रांड बना। गूगल दूसरे स्थान पर रहा और अमेजन तीसरे स्थान पर रहा। ठीक है फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स यहाँ एप्पल इसका आंसर, तो एप्पल के हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। एप्पल की जो स्थापना हुई है वो ये 1 अप्रैल 1976 को। एप्पल के जो फाउंडर्स हैं वो हैं स्टीव जॉब्स, स्टीव वोजनियाक, रोनाल्ड वेन है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है क्यूपर्टिनो, कैलिफोर्निया, US में। तो इतने पॉइंट आपको एप्पल से भी याद रखने। नेक्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया था, हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला मेथेनॉल पार्क कला ईंधन कार्यक्रम लॉन्च किया गया? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, असम। असम इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूर्वोत्तर और असम पेट्रो रसायन एक राज्य स्वामित्व कंपनी है जो एशिया के पहले कैंस्टर आधारित और भारत का पहला मेथेनॉल पाक कला ईंधन कार्यक्रम लॉन्च करने के लिए है। अब फ्रेंड्स, इसका आंसर असम है। तो असम के हम इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। असम की जो कैपिटल है वो है दिसपुर। असम के जो CM है वो है सर्बानंदा सोनोवाल और असम के जो गवर्नर हैं वो है जगदीश मुखी। तो इतने पॉइंट आपको असम से भी याद रखने। नेक्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया था, हाल ही में युवा ओलंपिक खेल 2018 किस देश में शुरू हुआ? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा युवा ओलंपिक खेल आधिकारिक तौर पर अर्जेंटीना के ब्यूनस आयरस में शुरू हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, और 16 वर्षीय मनु भाकर
उद्घाटन समारोह में भारतीय टीम के ध्वजवाहक के रूप में भारतीय टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये पूछा जा सकता है, तो ये आपको याद रखना है। एक बार और बता देता हूँ, 16 वर्षीय मनु भाकर उद्घाटन समारोह में भारतीय टीम के ध्वजवाहक के रूप में भारतीय टीम का नेतृत्व कर रहा है। अब फ्रेंड्स इसका आंसर अर्जेंटीना है, तो अर्जेंटीना के हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। अर्जेंटीना की जो कैपिटल है वो है ब्यूनस आयरस। अर्जेंटीना की जो करेंसी है वो है अर्जेंटाइन पैसो। और अर्जेंटीना के जो प्रेसिडेंट है वो है मॉरिशियो मैक्री। तो इतने पॉइंट आपको अर्जेंटीना से भी याद रखने। नेक्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया था, हाल ही में भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ने मध्य प्रदेश में ग्रामीण कनेक्टिविटी में सुधार के लिए कितने मिलियन डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 110 मिलियन डॉलर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 110 मिलियन डॉलर इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत सरकार और एशिया विकास बैंक ने प्रधानमंत्री के ग्रामीण सड़क कार्यक्रम के तहत मध्य प्रदेश राज्य में 2800 किलोमीटर, कितने 2800 किलोमीटर की सभी मौसम ग्रामीण सड़कों के उन्नयन के वित्त पोषण के लिए 110 मिलियन डॉलर का ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये आपको याद रखना है। अब फ्रेंड्स यहाँ एशिया विकास बैंक की बात हो रही है और मध्य प्रदेश की भी बात हो रही है, तो दोनों के हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं ADB की, एशियन डेवलपमेंट बैंक की। इसकी जो स्थापना हुई है वो ये 19 दिसंबर 1966 को। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मडालुयोंग फिलीपींस में। इसके जो प्रेसिडेंट है वो है टाकेको नकाओ। और इसका जो मोटो है वो है फाइटिंग पॉवर्टी इन एशिया एंड द पैसिफिक। फाइटिंग पॉवर्टी इन एशिया एंड द पैसिफिक। तो इतने पॉइंट आपको ADB से याद रखने। अब फ्रेंड्स हम मध्य प्रदेश के इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। मध्य प्रदेश की जो कैपिटल है वो है भोपाल। मध्य प्रदेश के जो CM है वो है शिवराज सिंह चौहान। और मध्य प्रदेश की जो गवर्नर है वो है आनंदीबेन पटेल। तो इतने पॉइंट आपको मध्य प्रदेश से भी याद रखने। नेक्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया था, हाल ही में इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2018 किस शहर में आयोजित किया गया। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ। लखनऊ इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, लखनऊ में 4 दिवसीय भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान समारोह IISF 2018 इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2018 शुरू हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको याद रखना है। अब फ्रेंड्स यहाँ लखनऊ की बात हो रही है तो हम उत्तर प्रदेश के इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश की जो कैपिटल है वो है लखनऊ। उत्तर प्रदेश के जो CM है वो है योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के जो गवर्नर है वो है राम नायक। और लखनऊ से मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए थे, एक बार और मैं बता देता हूँ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन कहाँ है, लखनऊ में। ठीक है फ्रेंड्स, और सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, वो भी लखनऊ में। और सबसे इंपॉर्टेंट, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ है, लखनऊ में। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों पूछे जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो तीनों आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया था, हाल ही में IORA नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री स्तरीय बैठक 2018 कहाँ आयोजित की गई। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा। IORA नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री स्तरीय बैठक 2018 नई दिल्ली में आयोजित की गई। अब इससे क्वेश्चन एक और बनता है, IORA के महासचिव कौन है, तो वो है नोमव्यू एन नोकवे। कौन है, नोमव्यू एन नोकवे। ठीक है फ्रेंड्स, और बिजली तथा नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री कौन है, तो वो है RK सिंह। कौन है, RK सिंह। तो इतने पॉइंट आपको इस पॉइंट से याद रखना है। अब फ्रेंड्स इसका आंसर न्यू दिल्ली है, तो दिल्ली के हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। दिल्ली के जो CM है वो है अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के जो गवर्नर हैं वो है अनिल बाइजाल। और मलेरिया रिसर्च सेंटर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, ये सब कहाँ है, ये सब न्यू दिल्ली में। तो इतने पॉइंट आपको दिल्ली से याद रखने। नेक्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया था, सहयोग HOPTAC 2018 भारत और किस देश के बीच संयुक्त तटवर्ती अभ्यास है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वियतनाम। वियतनाम इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत और वियतनाम के तटरक्षकों ने आपसी सहयोग को बढ़ाने के लिए चेन्नई में एक संयुक्त
अभ्यास में हिस्सा लिया, जिसका उद्देश्य शहर के तट पर उनके बीच कामकाजी स्तर के संबंध को मजबूत करना है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये आपको याद रखना है। अब फ्रेंड्स, इसका आंसर वियतनाम है, तो वियतनाम के हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। वियतनाम की जो कैपिटल है वो है हनोई। वियतनाम की जो करेंसी है वो है वियतनामिस डोंग। वियतनाम की जो प्रेसिडेंट है वो है डेंग थी नगोक थेन। तो इतने पॉइंट आपको वियतनाम से भी याद रखने। नेक्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया था, हाल ही में 2018 के लिए नोबेल शांति पुरस्कार किस व्यक्ति को दिया गया है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है नादिया मुराद और डेनिस मुकवेगे, दोनों को दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नोबेल शांति पुरस्कार 2018 डेनिस मुकवेगे और नादिया मुराद को दिया गया। यह पुरस्कार दोनों हस्तियों को प्रस्तुत किया गया है जिन्होंने सशस्त्र संघर्ष में यौन हिंसा को समाप्त करने पर काम किया है। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डेनिस मुकवेगे की। डेनिस मुकवेगे एक स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं जो कांगो के लोकतांत्रिक गणराज्य में यौन हिंसा के पीड़ितों की मदद करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और नादिया मुराद एक यजीदी अधिकार कार्यकर्ता और इस्लामी राज्य द्वारा यौन दासता की उत्तरजीवी हैं। तो इतने पॉइंट आपको इस पॉइंट से याद रखने। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया था, हाल ही में किसको अंतर्राष्ट्रीय उद्योग निकाय वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ एक्सचेंज WFE वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ एक्सचेंज द्वारा कार्यकारी समिति और बोर्ड के निदेशक का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी विक्रम लिमाय। विक्रम लिमाय इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के MD और CEO विक्रम लिमाय को अंतर्राष्ट्रीय उद्योग निकाय वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ एक्सचेंज द्वारा कार्यकारी समिति और बोर्ड के निदेशक का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया था, हाल ही में भारत केम 2018 सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी मुंबई। मुंबई इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत केम 2018 सम्मेलन मुंबई में शुरू हुआ और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इस सम्मेलन का उद्घाटन किया। तो ये भी पूछा जा सकता है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसका आंसर मुंबई है। तो मुंबई कहाँ है? महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र के हम इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। महाराष्ट्र की जो कैपिटल है वो है मुंबई। महाराष्ट्र के जो CM है वो है देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र के जो गवर्नर हैं वो है सी विद्यासागर राव। तो इतने पॉइंट आपको महाराष्ट्र से भी याद रखने। आज का जो क्विज का क्वेश्चन है वो है, 36वें राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इस क्विज के आंसर को डिस्कस करेंगे। आई होप फ्रेंड्स आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और स्टडी से रिलेटेड कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप हो तो उस ग्रुप में आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।